हेलो, मैं हूं करण बजाज। आज से 5 साल पहले मैं एक बहुत बड़े ट्रांजिशन पॉइंट पर था। मेरा जो कॉर्पोरेट करियर था, जहां पर मैं पहले प्रॉफिट एंड गैम्बल में था, फिर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में था, फिर क्राफ्ट में था, वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। पर मुझे लग रहा था कि ये मेरा ट्रू पर्पज़ नहीं है। तो क्या है मेरा ट्रू पर्पज़, ये जानने के लिए मैंने ये एक एक्सरसाइज करी। और ये एक्सरसाइज मेरे लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल थी कि उसके इमिजिएटली बाद मैंने बहुत स्टेप्स लिए वो पर्पज़ को मीट करने के लिए। तो अगर आप एक ट्रांजिशन पॉइंट पे हैं, मैं आज वो एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी अपना ट्रू पर्पस फाइंड आउट कर सकें। हाउ टू फाइंड योर ट्रू पर्पस, एक एक्सरसाइज करते हैं जानने के लिए। आज से 10 साल के बाद एग्जैक्टली इस डेट पर टुडे, 10 साल के बाद आप अपनी लाइफ को कैसे विजुलाइज कर रहे हैं? अगर आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले क्या व्यू देखते हैं? जब आप तैयार होकर ऑफिस के लिए जाते हैं तो आप कहाँ ऑफिस पर जाते हैं? आपके साथ आपकी लाइफ में और कौन कौन लोग हैं? ये 3 क्वेश्चंस का आप आंसर कीजिए थोड़ा सा सोच कर कि अगर 10 साल के बाद आप अपनी एक आइडियल लाइफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आज ही की डेट पर 10 साल के बाद आप क्या देखते हैं? कहाँ पर उठ रहे हैं आप? सेकेंड, आप कहाँ काम पर जा रहे हैं? थर्ड, आपकी लाइफ में और कौन कौन लोग हैं? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जितना डिटेल और स्पेसिफिकली कर सकते हैं आंसर, उतना स्पेसिफिकली आंसर कीजिए। एंड सेकंड, बिना किसी वरी के आंसर कीजिए, बिकॉज कोई वरी नहीं है इसके अंदर। जो भी आपके मन में आ रहा है वो सोचकर आप लिखिए। ये एक्सरसाइज जो आपने अभी कंप्लीट करी है उसको पढ़िए। इसके अंदर जो अंडरलाइंग थीम्स हैं, यही आपका ट्रू पर्पज है, बिकॉज ये इंस्टिंक्चुअली सामने आया है। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, तो 5 साल पहले जब मैंने ये एक्सरसाइज करा था, तो सबसे पहले ये आया कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे अराउंड ग्रीनरी है। आइडियली मैं माउंटेन्स में हूँ, क्योंकि मैं माउंटेन्स में बड़ा हुआ था और मुझे हमेशा से एक पुल रहा है माउंटेन्स के लिए, बट किसी भी हालत में मेरे अराउंड बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। सेकंड, मेरी वाइफ और किड्स हैं, उस टाइम पर मेरी शादी भी नहीं हुई थी। एंड थर्ड, मेरे दिमाग में ये था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, शायद लिख रहा हूँ या कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, क्रिएटिविटी है, मैं कुछ बना रहा हूँ। सेकेंड, जो भी मैं बना रहा हूँ उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड थर्ड, एक लेवल पे मेरे पास बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, मैं किसी को आंसर नहीं कर रहा हूँ, कोई बॉस नहीं है, कोई ऐसा कॉपरेशन नहीं है जिसको मैं आंसर करता हूँ। ये एक्सरसाइज करने के इमिजिएटली बाद मैंने अपनी पूरी लाइफ को इस पर्पस के अराउंड ओरिएंट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक फुल टाइम राइटर बनूंगा। अपना जॉब छोड़कर मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा उसके अंदर क्रिएटिविटी है लिखने में। सेकेंड, मेरी राइटिंग से इम्पैक्ट हो सकता है लोगों का। एंड थर्ड, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी को आंसरेबल नहीं हूँ। और ये 3 में से कम 2 पैरामीटर्स मेरे मीट हुए। मुझे क्रिएटिविटी दिखी, उसके अंदर इम्पैक्ट दिखा। अनफॉर्चुनेटली मेरी राइटिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं थी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं, इसलिए मैंने वापस एक जॉब लिया। पर ये फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में था, तो जैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिला मैंने इमिजिएटली उसके अंदर जंप करा, क्योंकि अगेन मुझे लगा कि यहाँ पे क्रिएटिविटी है, इम्पैक्ट है बहुत लार्ज स्केल पर, और इंडिपेंडेंस भी है क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो, ज़्यादा आंसरेबल नहीं हो किसी को। एंड अगर मैं अभी देखूँ अपनी लाइफ 5 साल के बाद, जब ये मैंने एक्सरसाइज करी थी, तो ये 3 पैरामीटर्स मेरे मीट हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह मैं एक पर्पसफुल लाइफ जी रहा हूँ। तो आपका ट्रू पर्पस क्या है, ये एक्सरसाइज आपको हमेशा हेल्प करेगी वो जानने के लिए। एंड मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है फिर से रिफ्रेश करने का अपना पर्पस, तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो अगर मैंने रिसेंटली जब ये एक्सरसाइज करी थी, तो मेरे दिमाग में क्लियरली आया कि मेरा रियल पर्पस अब उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंस नहीं है जितना लार्ज स्केल इम्पैक्ट है। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ और से और इसके अराउंड ओरिएंट करना स्टार्ट करूँगा। कमेंट्स में मुझे पक्का लिखिए कि आप क्या विजुलाइज करते हैं जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, और क्या हेल्पफुल रहा ये आपका ट्रू पर्पस जानने के लिए। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल था, तो ये वीडियो ऑन द 1 मॉर्निंग एफर्मेशन दैट हेल्प्स यू अचीव सक्सेस, ये भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। मैं हूँ करण बजाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।